do the opposite. Look at what the majority of people are doing and do the exact opposite. And you will probably never go wrong for as long as you live. आपको ये सोचना चाहिए कि अक्सरियत कामयाब जिंदगी गुजार रही है. आपको अपने ज़िंदगी के किसी मौके पर दूसरों से मुख्तलिफ सलूक करना है और उन कामयाब लोगों में शामिल होना है. और कामयाबी बहुत सारी शक्लों में अख्तियार की जा सकती है. आपको बस इस बेर बकरियों से निकल कर कुछ मुख्तलिफ करना है और बेहतर करना है. अगर सारी दुनिया नॉर्थ की तरफ जा रही है तो आपको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए. मुख्तलिफ सोचना और मुख्तलिफ करना ही आपको दूसरों से बेहतर बनाता है. मतलब सिर्फ दूसरों के मुखालिफ ही नहीं जाना, आपको चीज़ों को दूसरों से बेहतर करना चाहिए. बहुत सारे लोग अपने जॉब को छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो इस जॉब के जेंडर से सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाते और सोचते सोचते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं. इसी तरह बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को फिट करने की कोशिश करने के सिर्फ ख्वाहिशात रखते हैं लेकिन अनहेल्दी फूड को नहीं छोड़ते. अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी है और दूसरों से बेहतर करना है. कुछ मुख्तलिफ करते हुए शायद आपको डर लगे, आप अनकंफर्टेबल हों, बस याद रखें आपको दिल नहीं हारना. यह सफ़र खतरनाक और तन्हा है लेकिन उसके रिजल्ट इस खतरे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे. अपने दोस्तों और घर वालों की बातों को इग्नोर करके ये सब कुछ करना आसान नहीं होगा लेकिन याद रखें किसी भी बड़े काम से पहले बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. और याद रखें कि आप तन्हा हैं जो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, ना कि कोई और आकर आपकी किस्मत को बदलेगा. किसी रिसर्च के मुताबिक अगर आप कुछ करना चाहते हैं या इरादा रखते हैं तो ऑलमोस्ट वो काम 50% हो चुका होता है. बस आपको मेहनत करनी और उस 50% को 100% तक लेके जाना है. यू जस्ट गेट यूज टू बींग अनकम्फर्टेबल एंड शॉक अदर्स विद योर माइंड ब्लोइंग रिजल्ट. सक्सेस कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड इट इज ऑफन अबाउट स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड और बींग अबव एवरीथिंग.